Hi dear friends, Assalamu alaikum. Welcome back to BDB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे support करने के लिए और मेरी videos को बहुत सारा like करने के लिए. So guys, इस video में मैं psychological thriller film को reveal करूँगी. उसका title है The Killing of a Scared Deer. The Killing of a Scared Deer release हुई November 3, 2017 में. IMDb पर द किलिंग ऑफ अ स्केयर डियर को मिले हैं 7 स्टार्स आउट ऑफ 10. ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द मूवी. मूवी इस सीन पर स्टार्ट होती है. एक वेल नोन कार्डियोथोरेसिक सर्जन स्टेवन मर्फी. स्टेवन अपनी ओपन हार्ट सर्जरी खत्म करता है और जाता है एक डिनर. डिनर में स्टेवन एक टीनेजर बॉय मार्टिन से मिलता है. कुछ देर बाद स्टेवन अपने घर चला जाता है. स्टेवन की फैमिली मेंबर्स में स्टेवन की वाइफ एना और उनके दो चिल्ड्रंस बॉब और केम होते हैं. स्टेवन बाद में एना को बताता है मार्टिन के फादर के डेथ के बारे में. मार्टिन के फादर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी 10 ईयर्स पहले. उस हादसे के बाद से स्टेवन को इंटरेस्ट हो गया था मार्टिन की हेल्प करने के लिए, ताकि मार्टिन का गम थोड़ा हल्का हो सके. एक इवनिंग मार्टिन स्टेवन के घर डिनर पर आता है. उसी टाइम मार्टिन और किम वॉक पर निकल जाते हैं. मार्टिन स्टेवन का शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसी वजह से मार्टिन स्टेवन को अपने घर डिनर पर इन्वाइट करता है. डिनर के बाद स्टेवन घर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मार्टिन उसे इंसिस्ट करता है मूवी देखने के लिए. मार्टिन मूवी के बीच में से सोने के लिए चला जाता है. मार्टिन के जाते ही मार्टिन की मदर स्टेवन के साथ फ्लर्टिंग शुरू कर देती हैं. लाइक स्टेवन के हैंड्स बहुत खूबसूरत हैं, नीट और क्लीन हैंड्स एक्सेट्रा. उसी वक्त स्टेवन जल्दी से वहाँ से चला जाता है. कुछ दिन बाद मार्टिन स्टेवन से डिमांड करने लगा उसके साथ और टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन स्टेवन उसकी किसी बात का रिप्लाई नहीं करता था. वन मॉर्निंग बॉब सुबह जागता है स्कूल जाने के लिए. वो अपनी लेग्स को फील नहीं कर पा रहा था और वो पैरालाइज्ड हो जाता है. स्टेवन और एना उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं. वहाँ के एग्जामिनेशन रिवील करता है कि फिजिकली सब ठीक है बॉब के साथ. इसी दौरान मार्टिन किम से मिलता है. किम मार्टिन को बोलती है कि वो मार्टिन को पसंद करने लग गई है. इस पर मार्टिन उसे बोलता है कि उसे घर जाना चाहिए अब, और वो वहाँ से चला जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग मार्टिन स्टेवन से मिलता है और वो सच रिवील करता है स्टेवन का. मार्टिन के फादर कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे. जब स्टेवन उनकी सर्जरी कर रहा था, वही जिम्मेदार था उनकी डेथ का. मार्टिन ब्लेम करता है स्टेवन को उसके फादर की डेथ का. मार्टिन बोलता है बैलेंस हो जाएगा जब स्टेवन की फैमिली डिस्ट्रॉय होगी. स्टेवन खुद अपनी फैमिली के एक एक फैमिली मेंबर को मारेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टेवन की फैमिली 4 स्टेजेस में मर जाएगी. पहला पैरालाइज, दूसरा जानबूझकर खाना नहीं खाना, तीसरा आइस से ब्लीडिंग होना, और चौथा मौत. स्टेवन इन बातों से साफ इनकार करता है, लेकिन बाद में स्टेवन को पता चलता है बॉब ने खाना पीना छोड़ दिया है. दूसरी स्टेज के मुताबिक कुछ अरसे के बाद किम की लेग्स भी काम करना छोड़ देती हैं, और वो भी फाका कशी में चली जाती है. मार्टिन किम को कॉल करता है. कन्वर्सेशन के दौरान किम अपने लेग्स यूज़ कर पा रही थी. जैसे ही उन दोनों का कनेक्शन टूटता है, किम की लेग्स काम करना छोड़ देती हैं. किम एना को बताती है कि शायद मार्टिन के पास पावर्स हैं. जैसे वो बोलता है वैसा ही होता है. एना मार्टिन के घर जाती है और पूछती है क्यों उसके हस्बैंड की गलती की सज़ा एना और उसके चिल्ड्रंस को मिल रही है. उस पर मार्टिन बोलता है कोई एक चीज़ है जिससे इंसाफ हो सकता है. एना को शक था कि जिस दिन मार्टिन के फादर की सर्जरी थी उस दिन स्टेवन ड्रंक था.
इसी बात को कंफर्म करने के सिलसिले में एनेस टेविन के एनेथीसियोलॉजिस्ट मैथ्यू से पूछती है। इस पर मैथ्यू उसे बताता है कि उस दिन स्टेविन ने 1 और 2 ड्रिंक्स ली थी। सारे टेस्ट का रिजल्ट नॉर्मल आता है। एना इंसिस्ट करती है बॉब और किम को घर लेकर जाने के लिए और वो इन दोनों को ट्यूब फीड दे रही थी। स्टेविन मार्टिन को किडनैप कर लेता है और उसको बुरी तरह से मारता है। स्टेविन मार्टिन से डिमांड करता है सब पहले जैसा करने के लिए। मार्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ता और मार्टिन स्टेविन को वॉर्न करता है कि स्टेविन के पास कम टाइम बचा है। यहाँ पर बॉब और किम दोनों बहस कर रहे होते हैं कि स्टेविन उन दोनों में से किसको चूज करेगा। एना का ये मानना था कि बॉब और किम में से किसी एक को मारना पड़ेगा। उनके पास एक ही ऑप्शन है और दूसरा चाइल्ड उनके पास होगा। फाइनल डिसीजन तक पहुंचने में स्टेविन मिलता है बॉब और किम के स्कूल प्रिंसिपल से और पूछता है कि इन दोनों में से किसने ज़्यादा एकेडमिकली गिफ्ट्स लिए हैं। किम को मार्टिन पर क्रश था इसलिए वो मार्टिन से भीख मांगती है कि उसके लेग्स हील कर दे। जब किम नाकाम हो जाती है वो खुद को सेफ करने के चक्कर में भाग जाती है क्रॉलिंग करते हुए। स्टेविन और एना किम को ढूंढ रहे होते हैं और स्टेविन किम के जख्मों को हील करता है। किम स्टेविन को बोलती है आप मुझसे कितना प्यार करते हैं डैड, आपको हम में से किसी एक को मारना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एना मार्टिन को आज़ाद कर देती है क्योंकि उसको कैद करने से कुछ नहीं होगा। बॉब को आइस से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। अब फाइनल स्टेप रह गया था। सब परेशान हो जाते हैं। सब में से चूज करने से पहले स्टेविन एना किम और बॉब को एक चेयर पर बांध देता है और उनके हेड कवर कर देता है और अपना फेस ऊन की हेड से कवर कर देता है। स्टेविन राइफल लोड करता है और स्पिन करता है राउंड्स और फायर करता है। पहले 2 फायर्स मिस हो जाते हैं लेकिन लास्ट वाला बॉब को लग जाता है। बॉब की डेथ हो जाती है। कुछ अरसे के बाद स्टेविन की फैमिली डिनर में जाती है। उसी सेम टाइम मार्टिन भी उधर आता है। मार्टिन उन्हें हैरत से देख रहा होता है। मार्टिन और स्टेविन की फैमिली एक दूसरे को बहुत ही हैरत भरी निगाह से देख रहे होते हैं। स्टेविन की फैमिली जा रही होती है और मार्टिन की निगाह उनसे हट ही नहीं रही थी। इसी टाइम किम पीछे मुड़ती है और मार्टिन को देखती है और फिर डिनर से बाहर चली जाती है। दी एंड। ओके गाइज, आई विल पुट सम एडॉन्स हियर। दी किलिंग ऑफ अ स्केयर डेयर टाइटल का मतलब है, स्केयर डेयर रेफरेंस है आइफेजीनिया का। ग्रीक मैथोलॉजी में आइफेजीनिया रिप्रेजेंट करता है डेयर को, जो डेयर कुर्बान हो गया था गॉडेस एर्थेमिस के लिए एज अ पेमेंट। ये मूवी इस कॉन्सेप्ट से थोड़ी सिमिलर है। मैं इस मूवी को क्वेश्चन एंड आंसर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेविन की क्या गलती थी इस मूवी में? स्टेविन ड्रंक था जब मार्टिन के फादर की सर्जरी हो रही थी और उसने गलती कर दी सर्जरी के दौरान। स्टेविन ने फिर एक स्टोरी कवर अप की मार्टिन की मदर को, मार्टिन के फादर को लेकर। स्टेविन ने कार एक्सीडेंट का बहाना बनाया और कहा कि उनकी उसी टाइम डेथ हो गई थी और स्टेविन को इस क्राइम की कोई परवाह भी नहीं थी और उसने सारा ब्लेम मैथ्यू पर डाल दिया था। सेकंड क्वेश्चन, स्टेविन ने खुद को क्यों किल नहीं किया एंडिंग में? स्टेविन खुद को कुर्बान नहीं कर सकता था क्योंकि खून के बदले खून होता है, लेकिन स्टेविन को इसकी कोई ख़ास परवाह भी नहीं थी। स्टेविन जब किम और बॉब के स्कूल प्रिंसिपल से मिलता है उसकी वजह तो ये थी, वो ये जानना चाहता था उसके कौन से चाइल्ड की ज़्यादा वैल्यू है। थर्ड क्वेश्चन, एना ने खुद को क्यों सेक्रीफाइस नहीं किया अपने चिल्ड्रंस के ऊपर? हर माँ अपनी कुर्बानी देगी अपनी औलाद को सेव करने के लिए, लेकिन इधर उल्टा था। एना ऐसा नहीं करना चाहती थी।
एना स्टेविन को कहती है लॉजिकली, हम एक चाइल्ड को मार सकते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा चाइल्ड है। लेटर एना स्टेविन को सीड्यूस करती है ताकि वो बता सके हम दोनों साथ फिर खुश रह सकते हैं अगर हमारी एक औलाद मर भी गई तो। फोर्थ क्वेश्चन, मार्टिन कौन था और क्या उसके पास पावर्स थी? मार्टिन एक टीनएजर बॉय था, नाइस, ऑकवर्ड और इनोसेंट, लेकिन उसी टाइम वो एक एविल और ब्लैकमेलर था। उसकी पर्सनैलिटी सही से बताई नहीं गई। मार्टिन को यकीन के साथ पता था कि स्टेविन की फैमिली एक एक करके पैरालाइज्ड हो जाएगी और फिर मर जाएगी अगर स्टेविन अपने खून से अपनी गिल्ट पे ना करे। मार्टिन कभी कभी स्टेविन की बातों को रद्द कर देता था। मार्टिन एक नॉर्मल किड नहीं था, उसे मेंटल इश्यूज थे। मार्टिन कोई सुपर बीइंग नहीं था, बस वो गलत था अपने बिहेवियर को लेकर, बट यूनिवर्स अपना सही एक्शन ले रही थी। लास्ट क्वेश्चन, कॉप्स कहाँ थे जब मार्टिन किडनैप हुआ? एक किड किडनैप है बहुत दिनों से, उसको बहुत बुरी तरह मारा भी है। मार्टिन के यहाँ कोई था ही नहीं पुलिस कंप्लेन लिखवाने वाला। उसकी मदर डिप्रेशन में थी। अदर हैंड पर स्टेविन काफ़ी वेल नोन सर्जन था, किसी को भी आसानी से उस पर शक नहीं जाएगा। इस मूवी में ये बताया गया है समटाइम्स कॉप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुदा की जस्टिस ही काफ़ी होती है। अब आखिर में एंडिंग, मूवी के एंडिंग सीन में दिखाते हैं बॉब की डेथ के कुछ अरसे बाद मार्टिन के ज़ख्म भी भर गए थे। उसी सेम टाइम मार्टिन और स्टेविन मिलते हैं एक डिनर में। स्टेविन की फैमिली की फेवरेट प्लेस डिनर थी, इसीलिए वो मार्टिन से इधर ही मिलना चाहते थे। कुछ दिनों बाद जब एक हॉरिफिक इवेंट था, बॉब का मर्डर और उस मर्डर को कवर अप करना, वो लोग ट्राई कर रहे थे अपनी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए। एना, स्टेविन और किम वहाँ से जा रहे होते हैं जब किम मार्टिन को मुड़ के देखती है। इसका मतलब हो सकता है कि वो बाकी का प्लान मार्टिन के साथ पूरा करना चाहती हो। वो अपनी मील को डिस्कार्ड करते हैं और मार्टिन उन्हें देख रहा होता है। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करेगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पैक को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।